हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कलर का जेंट्स स्वेटर के लिए बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है बना के दिखाती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 4 के मल्टीपल फंदे और उसमें हमें 3 फंदे और जोड़ देने हैं। हमें इसके लिए चाहिए 4 के मल्टीप्लाई फंदे और 3 फंदे इसमें और जोड़ देंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल ठीक से बन के आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आप अपना बॉर्डर बना लें, उसके बाद में उल्टी सिलाई बना लें, उसके बाद में सीधी सिलाई से हम जो डिज़ाइन है अपना डालना शुरू करते हैं। तो ये देखिए किस तरह से बनाना है। जो पहली सिलाई है वो हमें इस तरह से बनानी है। देखिए पहली सिलाई इस तरह से बनाएंगे, ये 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से, ऊन को पीछे करेंगे और ये देखिए ये जो फंदा है तो हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई को डालेंगे और इस तरह से ऊपर वाला फंदा छोड़ के नीचे वाले फंदे में डालेंगे सिलाई को और एक ये सीधा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन आगे करेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ऊन पीछे करेंगे, इस जगह पे सिलाई डालेंगे और इस तरह से हम सीधा फंदा बनाएंगे। देखिए ऊपर वाला फंदा छोड़ के नीचे से हमें सिलाई डालनी है और इस तरह से सीधा फंदा यहाँ पे बनाना है। 3 फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे और देखिए इस तरह से यहाँ पे ये सिलाई को डालेंगे और ये हमने यहाँ से एक फंदा उठा लिया, ये सीधा फंदा बना लिया यहाँ पे। फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, देखिए इस तरह से करते हुए हमें ये जो पहली सिलाई है अपनी इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 3 फंदे उल्टे और ये देखिए एक नीचे से ये फंदा सिलाई डालते हुए और सीधा फंदा बनाते हुए पहली सिलाई हमें कंप्लीट करनी है अपनी। इस जगह पे इसको छोड़ के ना इस जगह पे डालेंगे, नीचे से सिलाई को डालेंगे और ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हमारी जो पहली सिलाई है कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी सिलाई पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें उल्टी सिलाई इस तरह से बनानी है। ये देखिए जो हमने सीधी सिलाई में ये जो उल्टे फंदे थे, देखिए ये उल्टे फंदे थे और उल्टी सिलाई में देखिए सीधे फंदे, तो भी हमें इस तरह से इन फंदों को इस तरह से बनाना है। उल्टी सिलाई पे ये जो सीधे फंदे थे, ये देखिए सीधी सिलाई में जो उल्टे फंदे थे उनको उल्टी सिलाई में भी इस तरह से उल्टा ही बनाना, देखिए इस तरह से। और ये जो फंदा हमने नीचे से उठाया था, ये देखिए ये वाला फंदा, ये तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, इसको बनाना नहीं है, इसको हमने बिना बुने ही उतार लिया। और जो 3 फंदे सामने से उल्टे थे इनको उल्टी सिलाई में भी उल्टा ही बनाएंगे और ये जो फंदा नीचे से हमने उठाया था सीधा फंदा बनाया था इसको उतार लेंगे, देखिए इस तरह से 3 फंदे उल्टे और जो ये फंदा था इसको बिना बुने उतार लेना है। जो सीधी साइड में जो फंदा हमने सीधा बनाया है उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे और जो 3 फंदे उल्टे बनाए थे वो उल्टी सिलाई में भी हमें उल्टे ही बनाने हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये सीधा फंदा इसको उतार लिया, ये देखिए इस फंदे को उतारा और जो 3 फंदे थे सीधी सिलाई में उल्टे वो उल्टी सिलाई में सीधे फंदे, तभी हम उनको उल्टा ही बनाएंगे, देखिए इस तरह से इसको उतार लेते हैं। देखिए हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम तीसरी सिलाई पे आते हैं, इसको कैसे बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बीच वाला ये फंदा हमने इसको उठाया था और ये यहाँ पे हमने 1 2 3 देखिए, तो अब हमें क्या करना है, ये वाला हम फंदा उल्टा बनाएंगे, ये वाला फंदे को उल्टा बना लिया, उनको पीछे किया। अब देखिए ये वाला फंदा है, ये बीचों बीच वाला फंदा, इसमें हम ये ऊपर से छोड़ के नीचे वाले फंदे में सिलाई को डालेंगे, देखिए इस तरह से ये फंदा उठा लिया सीधा। अब देखिए ये वाला जो फंदा, 3 फंदे जो हमें उल्टे बनाने होते हैं, ये फंदा हमारा बीच में आएगा, तो ये देखिए ये फंदा उल्टा बनाएंगे हम और ये वाला भी उल्टा बनाएंगे और ये देखिए ये वाला भी उल्टा बनाया। अब देखिए हमारे यहाँ 3 फंदे थे उल्टे, तो ये बीचों बीच वाला ये फंदा है, तो इसमें हमें यहाँ बीच ऊपर से एक धागा छोड़ के एक फंदा छोड़ते हुए नीचे से हमें सिलाई डालनी है, देखिए इस जगह से, और ये देखिए यहाँ से इस तरह सिलाई डालेंगे
और ये देखिए सीधा फंदा था, इसको हम बीच में रखेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये हमारे तीन फंदे इस जगह पे उल्टे हुए, देखिए ये वाला फंदा हमें उठाना है। देखिए बहुत ही प्यारा सा जेंट्स स्वेटर के लिए पैटर्न है, आप इसको बना सकती हैं, वैसे तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं लेकिन जेंट्स स्वेटर में बहुत ही प्यारा लगेगा। छोटा छोटा सा डिज़ाइन है, बहुत ही बनाना भी इसको आसान है। देखिए ये हमारी तीसरी सिलाई है, ये कंप्लीट हो गई है, और देखिए इस तरह से अभी हमारा डिज़ाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, अभी थोड़ा सा और एक दो सिलाई बना लेते हैं उसके बाद में। अभी चौथी सिलाई उल्टी सिलाई है, इसको इसी तरह से बनाना, जो ये तीन फंदे सीधी साइड में हमने उल्टे रखे थे तो उनको उल्टी सिलाई में भी उल्टा ही रखना है, और जो नीचे से फंदा ये उठाया था सीधा वाला, इसको बिना बुने ही उतार लेना है जैसा कि हमने दूसरी सिलाई में किया था। ये देखिए, ये देखिए इस वाले फंदे को उतार लेना है, और ये देखिए ये तीन फंदे थे सीधी सिलाई में उल्टे, इनको हमें उल्टी सिलाई में भी उल्टा ही बना लेना, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से, इसको उतार लिया, इन तीनों को बना लिया, देखिए इसको उतार लिया, अब देखिए चार सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं कंप्लीट, और हमारा जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से ही यहाँ तक बन के आया है। देखिए फ्रेंड्स, अब जो अगला वाला फंदा है, मैं थोड़ा सा और एक दो फंदे बना के दिखाती हूँ आपको तो किस तरह से बनेगा। ये देखिए ये उल्टे फंदे और ये वाला भी उल्टा फंदा, देखिए फ्रेंड्स ये तीन हमारे शुरुआत में जैसे तीन फंदे उल्टे रखे थे उसी तरह से हमारा यहाँ पर आ गया है। देखिए ऊन को पीछे किया, और पिछली सिलाई में हमने सबसे पहले ये वाला फंदा उठाया था, दूसरी बार में हमने ये बना लिया, तो अब देखिए अब हमारा ये बीचों बीच वाला फंदा ये वाला हमारा उठेगा इस तरह से, देखिए। और ये देखिए ये जो दूसरी सिलाई में तीसरी सिलाई में ये बनाया यहाँ पे उठाया था, तो इसको अब हम बना लेंगे। ये हमारा जो डिज़ाइन है केवल दो सिलाइयों का ही है, सीधी और उल्टी, हर सीधी सिलाई में डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, फंदा चेंज हो जाएगा, देखिए इस तरह से। अब हम ये बीचों बीच वाला फंदा है इसको उठाएंगे, और ये फंदे बना लेंगे, देखिए हमारा ये फंदा उठेगा। सही है, ये हमारा पैटर्न है, इसी तरह से बनता हुआ आगे को आएगा और उल्टी सिलाई पे देखिए, देखिए और उल्टी सिलाई पे इसी तरह से बनानी है कि ये जो तीन फंदे सीधी साइड में उल्टे हैं तो उनको उल्टी सिलाई में भी उल्टा बनाना है, और ये जो सीधा फंदा उठा के बनाया था इसको हमें ऐसे ही बिना बुने उतार लेना है। इसी तरह से मैं उल्टी हर उल्टी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करनी है।
देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई बनाने के बाद ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन है, कुछ इस तरह से बनेगा। मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से बन के आएगा। देखिए बहुत ही प्यारा पैटर्न है, जेंट्स स्वेटर के लिए एकदम परफेक्ट डिज़ाइन है। छोटा सा एकदम छोटी छोटी सी बुनाई, जिसको ज़्यादा बुनाई नहीं पसंद है उस पर बिल्कुल ठीक लगेगा। फ्रेंड्स मेरा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।